ओलंपिक शुरू होने से पहले इंडिया की सबसे बड़ी मेडल होप थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट एक तो क्वार्टर फाइनल में हार गई और उसके बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है और वो अभी टेम्पोरेरीली सस्पेंड हो गई हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर विनेश फोगाट ने ऐसा क्या किया कि उनको टेम्पोरेरीली सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल में अब ये खबर सामने आ रही है कि ओलंपिक के खेल गांव में विनेश फोगाट भारतीय रेसलर्स के आसपास नहीं रहना चाहती थी, उनके आसपास कमरे में नहीं रहना चाहती थी। उसका कारण ये था कि विनेश फोगाट को ऐसा लगता था कि भारतीय रेसलर्स इंडिया से आए हैं और वो हंगरी से आई हैं, ऐसे में उनको इंडिया से जो रेसलर्स आए हैं उनकी वजह से कोरोना हो सकता है और उनका ओलंपिक सफ़र समाप्त हो सकता है। और विनेश फोगाट इस तरह से रह रही थी जैसे वो भारतीय टीम के साथ नहीं बल्कि हंगरी टीम के साथ आई हों। इसके अलावा ये खबर भी है कि विनेश फोगाट जो ओलंपिक में अलग जर्सी होती है जिसमें आपका पर्सनल स्पॉन्सर कौन है इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बावजूद विनेश फोगाट ने अपने पर्सनल स्पॉन्सर को तवज्जो दी और जो ओलंपिक का ड्रेस कोड था उसको फॉलो नहीं किया पूरी तरह से, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक दिन प्रैक्टिस के लिए जहाँ पर उनकी प्रैक्टिस होनी थी, जिस मैट पर प्रैक्टिस होनी थी वहाँ पर भारतीय दल प्रैक्टिस कर रहा था, तो विनेश फोगाट ने वहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं की और वहाँ से चली गई, क्योंकि उनको लगता था कि अगर भारतीय दल के साथ प्रैक्टिस करेंगी तो उनको कोविड हो जाएगा। और इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए विनेश फोगाट को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी खुद से भी, तो एक तो ना वो मेडल जीत पाई और उसके बाद अब उनके खिलाफ़ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी एक्शन ले लिया है और अब उनके जवाब का इंतज़ार है आगे का एक्शन लेने से पहले। और जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरानी में है कि अगर वाकई में ऐसा हुआ है, विनेश फोगाट ने वाकई ऐसा किया है, तो ये बहुत ही बुरा व्यवहार रहा होगा और बाकी की भारतीय रेसलर्स को भी बुरा लगा होगा कि कैसे एक भारतीय रेसलर उनको अछूत समझ रही है, ऐसा समझ रही है कि उनके पास आने से उसको कोविड हो जाएगा। जाहिर सी बात है खेल गांव में एंट्री करने से पहले ये रेसलर्स तमाम तरह के टेस्टिंग से गुजरे, इसके अलावा वैक्सीन सबको लग चुकी थी ओलंपिक में जाने से पहले, लेकिन इसके बावजूद उनको इस तरह से अगर देखा गया होगा कि उनके पास जाने से कोविड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ होगा। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर यह खबर चर्चाओं में है और लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट काफ़ी ज़्यादा श्योर थी कि वो मेडल जीत जाएंगी, इसी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस में मेडल भी नहीं जीत सकी और रेप चेस भी उनको नहीं मिला मेडल जीतने के लिए। और इसके बाद विनेश फोगाट गायब भी दिखी है, उनको इंडिया आने के बाद ज़्यादा देखा नहीं गया और अब रेसलिंग फेडरेशन ने भी उनके खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है। तो देखने वाली बात होगी रेसलिंग फेडरेशन क्या उन पर कोई 6 महीने 4 महीने का बैन लगाती है या फिर उनको सख्त वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।